गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई पर्सन अपनी कंट्री के लिए कुछ स्पेशल करता है तो वो मोमेंट जो है उस पर्सन के साथ साथ उस कंट्री के लिए भी प्राउड फीलिंग वाला होता है। तो आज हमारा जो लेसन है ये भी इसी पर बेस्ड है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन 17, नथिंग बट द टारगेट। एंड द लेसन ट्राइज टू कैप्चर द रिएक्शंस ऑफ राज्यवर्धन राठौर व्हेन ही बिकेम फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडलिस्ट एट ओलंपिक एट एथेंस। तो बच्चों, ये जो लेसन है नथिंग बट द टारगेट, यानी कि कुछ नहीं केवल टारगेट। और ये जो लेसन है इस पर हम देखेंगे कि राज्यवर्धन राठौर जो कि ओलंपिक गेम्स एथेंस में हुआ था उसमें इंडिविजुअल गेम्स में ये पहले सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, इसलिए ये हमारे अपने कंट्री के लिए एक विशेष महत्व की बात है। राज्यवर्धन राठौर के बारे में जैसे बताया तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेडल लिए हुए जो पर्सन है वही है राज्यवर्धन राठौर। नाउ कम टू द लेसन। दिस वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल इन ओलंपिक हिस्ट्री इन शूटिंग इवेंट। लेट्स रीड व्हाट ही सेड आफ्टर ही वॉन द मेडल। तो ये जो इंडिविजुअल गेम्स होता है शूटिंग में, इसमें राज्यवर्धन जो नाम आपको पहले ही बताया मैंने, ये पहले व्यक्ति थे ओलंपिक हिस्ट्री में जिन्होंने शूटिंग इवेंट में सिल्वर मेडल लिया था। और ये जो हम लेसन जो पढ़ने वाले हैं इसमें उनके रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या कहा था जब वो सिल्वर मेडल रिसीव किए। दिस वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल इन ओलंपिक हिस्ट्री इन शूटिंग इवेंट। लेट्स रीड व्हाट ही सेड आफ्टर ही वॉन द मेडल। अब ठीक था कि ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है ना? तो बच्चों, ये जो इंडिविजुअल मेडल था सिल्वर मेडल, ये हमारे ओलंपिक हिस्ट्री में शूटिंग इवेंट के लिए पहला इवेंट था इंडिया में, ठीक है? तो आगे देखते हैं कि मेडल जीतने के बाद राज्यवर्धन राठौर के क्या रिएक्शन थे और उन्होंने क्या कहा। राज्यवर्धन सिंह राठौर, अ 34-year-old आर्मी मैन, फिनिश्ड सेकेंड इन द मेन्स डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट ऑन ट्यूजडे द 7th August 2004 इन 28th ओलंपिक गेम्स इन एथेंस। राज्यवर्धन सिंह राठौर ये एक आर्मी मैन थे जिनकी एज थी 34 ईयर्स, और इन्होंने मेन्स डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट में जो कि एथेंस में ऑर्गेनाइज किया गया था। ओलंपिक गेम्स जो होता है वो हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये 2004 की बात है जो कि 28th ओलंपिक गेम्स था, जो इवेंट है वो एथेंस में ऑर्गेनाइज किया गया था। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने डबल ट्रैप इवेंट में, शूटिंग इवेंट में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। फीलिंग वाइल रिसीविंग द मेडल, इट फेल्ट एब्सोल्यूटली ग्रेट, इट सर्टेनली फील्स गुड टू विन अ मेडल फॉर द कंट्री, and that makes it even more good because the country feels proud. Absolutely यानि होता है पूर्णतया, पूरी तरीके से, certainly यानि निसंदेह। तो जब राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मेडल जीत लिया उसके बाद उन्होंने क्या कहा उसके बारे में बताया गया है। Feeling while receiving the medal, जब राज्यवर्धन सिंह राठौर को सिल्वर मेडल दिया जा रहा था तो उनकी फीलिंग क्या थी जब वो मेडल को रिसीव कर रहे थे। इट फेल्ट एब्सोल्युटली ग्रेट, ये स्वाभाविक सी बात है कि उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पूर्णतः उनको बहुत अच्छा लगा होगा, एक ग्रेट फीलिंग आई होगी उनके अंदर। इट सर्टनली फील्स गुड टू विन अ मेडल फॉर द कंट्री, और निसंदेह ही एक गुड फीलिंग है किसी पर्सन के लिए कि वो अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम किया है। एंड दैट मेक्स इट इवन मोर गुड बिकॉज द कंट्री फील्स प्राउड, और ये और भी अच्छा हो जाता है जब हमारे साथ साथ हमारे कंट्री को भी एक प्राउड मोमेंट मिलता है। फीलिंग वाइल ड्रैप्ड इन कंट्रीज फ्लैग एट द प्रेजेंटेशन, इट वॉज अ सेंस ऑफ रिलीफ दैट आई वॉज एबल टू अकम्प्लिश समथिंग फॉर द कंट्री एंड द फ्लैग्स, आई वॉन्टेड समथिंग क्लोज टू द सिम्बल विच रिप्रेजेंट द कंट्री। So the flag was the best thing and I just wanted to wrap it around myself. कुछ new words देख लेते हैं। Relief यानी कि होता है राहत, accomplish यानी कि प्राप्त करना या पूरा करना। तो feeling while wrapped in country's flag at the presentation, आप लोगों ने TV पर देखा होगा, newspaper में पढ़ा होगा कि जो country का flag है, जो हमारा तिरंगा झंडा है, वो ऐसे किसी को नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौर बता रहे हैं कि जब उनको फ्लैग ड्रैप करने का मौका मिला तो उनकी फीलिंग क्या थी। इट वॉज अ सेंस ऑफ रिलीफ दैट आई वॉज एबल टू अकम्प्लिश समथिंग फॉर द कंट्री। राज्यवर्धन सिंह राठौर कहते हैं कि एक मेरे लिए राहत की बात थी कि मैंने अपनी कंट्री के लिए कुछ प्राप्त किया। एंड द फ्लैग्स,
आई वॉन्टेड समथिंग क्लोज टू द सिम्बल्स विच रिप्रेजेंट द कंट्री। और ये जो फ्लैग है, मैं जीतने के बाद चाहता था कि मेरे पास ऐसा, मेरे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो, कुछ सिंबल हो, संकेत हो, जिससे मैं दिखा सकूं कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो द फ्लैग वॉज द बेस्ट थिंग। और मेरे आसपास जो थी वो क्या था, फ्लैग, जो कि मेरे लिए बेस्ट थिंग थी। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू रैप इट अराउंड माई सेल्फ। और मैं ये चाहता था कि मैं उसको ओढ़ करके ये दिखाऊं कि मैं इंडिया का हूँ। प्रिपरेशंस इन द लास्ट फ्यू डेज, देयर वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। देयर हैज़ टू बी अ हेल्दी बैलेंस। वेन एवर आई फेल दैट आई वॉज गेटिंग एंग्शियस, आई वुड रिलैक्स, क्रैक अ जोक और टॉक टू समबडी एंड मेक द एनवायरमेंट लाइटर फॉर माई सेल्फ। प्रिपरेशन इन द लास्ट फ्यू डेज, कुछ इसमें मीनिंग से एंग्शियस यानी कि होता है चिंतित, बेचैन। जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आती है। जैसे प्लेयर के दिमाग में ये चलते रहता है कि हम हारेंगे, जीतेंगे तो ये होगा, हारेंगे तो ये होगा। तो देयर वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो लास्ट फ्यू डेज में क्या होता है कि अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है और इन सब को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। देयर हैज़ टू बी हेल्दी बैलेंस। और उन सब जो फीलिंग्स अपने अंदर आती है, हारने की, जीतने की, उत्साह की, तो ये सब का फीलिंग्स, एक हेल्दी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वेन एवर आई फेल दैट आई वॉज गेटिंग एंग्शियस, मैंने जब कभी भी महसूस किया, फील किया कि मैं बेचैन हो रहा हूँ, एंग्शियस हो रहा हूँ, देन आई वुड रिलैक्स, क्रैक अ जोक और टॉक टू समबडी एंड मेक द एनवायरमेंट लाइटर फॉर माई सेल्फ। तो इस स्थिति में जब भी मैंने लगा कि मैं एंग्शियस होते जा रहा हूँ, बेचैन होते जा रहा हूँ, तो मैं रिलैक्स होने के लिए जोक सुनता था, लोगों से बात करता था, ताकि जो एनवायरमेंट है मेरे अंदर, जो फीलिंग है, वो मुझे हल्का कर सके। बट वेन एवर आई नीडेड फोकस, आई वुड क्लोज माई आईज एंड थिंक ऑफ द टारगेट ऑफ हाउ आई वुड डू, how my emotions would be, what is my game plan for the match and everything। तो last जो था preparation, जो हमारी तैयारी होती है कुछ दिन पहले की, जब हमारा games होने वाला था, तो उस समय जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताया कि जब भी वो anxious हुए तो वो joke सुनते थे, लोगों से बात करते थे, ताकि वो उनका जो आसपास का environment है वो हल्का महसूस कर सके उसमें। इसके साथ साथ ही जब मुझे लगा कि मुझे अपने target पर focus करना चाहिए, तब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता और केवल टारगेट के बारे में ही सोचता था। हाउ आई वुड डू, मैं ये कैसे करूँगा, हाउ माई इमोशंस वुड बी, मेरे जो अंदर जो इमोशंस है वो कैसे होंगे, वॉट इज़ माई गेम प्लान फॉर द मैच एंड एवरीथिंग। तो मेरा जो कल का जो आने वाला जो गेम है वो कैसा होगा, उसका प्लानिंग कैसे होगी, मैं ये हर चीज़ के बारे में सोचता था। फोकस एट द फाइनल पॉइंट, I realized that I was missing because I was losing aggression. When you lose your aggression, you lose your natural way of shooting. Focus at the final point. Aggression यानी होता है आक्रामकता। तो जब हमारा जब गेम सामने होता है तो हमारा जो फोकस है वो फाइनल पॉइंट पर कैसे होता है। I realized that I was missing। तब राज्यवर्धन सिंह राठौर ने क्या रियलाइज किया कि मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज लूजिंग एग्रेशन, मेरे अंदर की जो आक्रामकता थी वो मैं खो रहा हूँ। उसको यही लग रहा था कि मैं अपने अंदर की आक्रामकता को खो रहा हूँ। वेन यू लूज योर अग्रेशन, यू लूज योर नेचुरल वे ऑफ शूटिंग। तब इसने रियलाइज़ किया, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने रियलाइज़ किया कि अगर आप अपना अग्रेशन, कुछ पाने की जो आक्रामकता है, इच्छा को अगर आप खो देंगे, तो आप जो अपना नेचुरल वे ऑफ शूटिंग, आप अपने शूटिंग का जो नेचुरल वे है, जो प्राकृतिक रूप से आपको जो मिला हुआ है, इसको भी आप खो देंगे। तो ये हर एक प्लेयर के लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर की जो आक्रामकता है, पावर है, उसको बनाए रखें, क्योंकि अगर यही नहीं रहेगा तो हम जो नेचुरल अपने अंदर का जो गेम है उसको भी हम खो देंगे। तो हमको अपने फाइनल पॉइंट पर कैसे फोकस करना है, इसके बारे में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताए हैं। आई देन टोल्ड माई सेल्फ आई शुड गो हार्ड एट द टारगेट। That's how I made those last two. I was absolutely focused on the target. I would see nothing else but the target. I then told myself, जब मुझे लगा कि अब मुझे अपने final point पर focus करना चाहिए, तब मैंने अपने आप से कहा, I should go hard at the target. मुझे अब अपने target पर ही ध्यान लगाना चाहिए. That's how I made those last two. और मैंने इसी तरह अपने last two को भी बनाया। I was absolutely focused on the target और मैं पूर्णतया अपने टारगेट पर ही फोकस किया।
आई कुड सी नथिंग एल्स बट द टारगेट, और इसी तरह मैं अपने टारगेट के अलावा कुछ नहीं देख सका। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा ये जो स्टोरी है, आफ्टर गेटिंग सिल्वर मेडल राज्यवर्धन सिंह राठौर की जो बातें थी, जो रिएक्शन थी, इन्होंने इस लेसन में बताया है कि हमको प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट जब आए तो हमको अपने काम पर हार्ड वर्क करके फोकस करते रहना चाहिए, क्योंकि इस समय जो होता है गेम से कुछ दिन पहले, फाइनल पॉइंट से कुछ दिन पहले, हमारे माइंड में एक अजीब सी उलझन भी रहती है, और इस समय हमको अपने एग्रेशन को बचा के भी रखना है, अपने एग्रेशन के साथ हमें हार्ड वर्क करते रहना है। ठीक है बच्चों, तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन वन है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट राज्यवर्धन सिंह राठौर विनिंग द सिल्वर मेडल इन शूटिंग। राज्यवर्धन सिंह राठौर के लिए जो सिल्वर मेडल जीते, तो इसमें स्पेशल क्या था उनके बारे में? आंसर है, द स्पेशल थिंग अबाउट राज्यवर्धन सिंह राठौर इज दैट ही वॉन इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल इन ओलंपिक हिस्ट्री इन शूटिंग। क्योंकि स्पेशल इसलिए था क्योंकि ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था जब शूटिंग इवेंट में किसी ने सिल्वर मेडल लाया था, वो भी ओलंपिक गेम्स में। क्वेश्चन टू है, वाई इज अग्रेशन इंपॉर्टेंट इन अ स्पोर्ट्स। किसी भी स्पोर्ट्स के लिए आक्रामकता या एग्रेशन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका क्या महत्व है? आंसर देख लेते हैं, अग्रेशन इज इम्पॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स बिकॉज अ स्पोर्ट्समैन कैन लूज अ नेचुरल वे ऑफ स्पोर्ट्स विदाउट इट। अगर किसी प्लेयर के पास, किसी स्पोर्ट्समैन के पास वो आक्रामकता नहीं है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, अगर उसने ये खो दिया तो उसका जो नेचुरल वे ऑफ प्लेइंग है वो भी खो जाता है, और वो अपने अग्रेशन के बिना अपने गेम को भी वो लूज कर देता है। अब आते हैं वोकैबुलरी सेक्शन में, यूज ऑफ मे इन पोलाइट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। आप लोगों ने ग्रामर सेक्शन में भी देखा होगा ना कि मे को कैसे यूज़ करते हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि मे कैसे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल बता दे रही हूँ, आप लोग के बुक्स में बहुत सारा क्वेश्चन, उसको भी देखते रहिएगा। तो एग्जांपल है, व्हेन वी वांट टू गो इनटू द क्लासरूम और कम आउट ऑफ इट वी से। जब हम क्लासरूम के अंदर जाते हैं या बाहर निकलते हैं तब हम क्या कहते हैं? तो अंदर आने के लिए क्या कहते हैं? मे आई कम इन, और बाहर निकलने के लिए मे आई गो आउट। जैसे आप लोगों ने टीचर, टीचर के सामने कहते हैं ना जब अंदर आने के लिए, तो मे क्या एक पोलाइट फॉर्म है। ठीक है, तो आगे और देख लेते हैं, और आप लोग हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि मे के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। तो आप लोगों के लिए एग्जांपल बता रही हूं मैं, आप लोग बताइएगा कि उसमें ब्लैंक में क्या आना चाहिए। व्हेन यू वांट टू हेल्प समवन यू वुड से, जब आप किसी की मदद करना चाहते हैं तब आप क्या कहेंगे? यस, तब आप कहेंगे मे आई हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन यू वांट टू नो समवन्स नेम यू वुड से, अगर आप किसी का नाम जानना चाहते हैं तो उनसे आप कैसे पूछेंगे? मे आई नो योर नेम। ओके, और देख लेते हैं आगे, व्हेन यू वांट टू हेल्प योर मदर फॉर कटिंग वेजिटेबल्स यू वुड से, जब आप अपनी मदर की हेल्प करना चाहते हैं किचन में वेजिटेबल्स कटिंग के लिए, तब आप कैसा कहेंगे, तब आप कैसा उनसे पूछेंगे? मे आई कट द वेजिटेबल्स। तो बच्चों, आप लोगों ने सारे एग्जांपल्स में आप लोगों ने देखा कि मे के साथ जो वर्ब यूज हुआ है उसका कौन सा फॉर्म आया है? फर्स्ट फॉर्म। अब आते हैं नेक्स्ट चीज जो है क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड एट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच कंटेन्स अ वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। क्लॉज जो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि सेंटेंस का एक पार्ट होता है, यानी कि क्लॉज में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और ये सेंटेंस का एक हिस्सा बनाते हैं, जिसमें कि अपना एक वर्ब होता है और अपना एक सब्जेक्ट होता है। ओके, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमको यहाँ पर केवल नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ना है। तो नाउन क्लॉज क्या होता है? अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट टेक्स द प्लेस ऑफ एनी नाउन इन द सेंटेंस वेदर दे आर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों ने डेफिनेशन तो देख लिया नाउन क्लॉज का, तो इसका अर्थ क्या होता है? नाउन क्लॉज जो होता है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, जो कि नाउन जो है किसी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है ये निर्भर होता है, यानी कि केवल डिपेंडेंट क्लॉज से हम सेंटेंस को पूरा नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को एक मैच द फॉलोइंग दिया जा रहा है, इसको आप मैच करते हुए आप उसको नॉन क्लॉज में बदलते जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी, पहले इसको मैच कर लेते हैं। ओके, मैच द कॉलम ए एंड बी एंड राइट द सेंटेंसेस एज गिवन इन द एग्जांपल एंड अंडरलाइन दैट क्लॉज। सेक्शन ए में दिया हुआ है सानिया मिर्जा
पीटी उषा, महेंद्र सिंह धोनी, प्रकाश पादुकोण, विश्वनाथ आनंद। तो सेक्शन ए में सारे प्लेयर्स के नाम दिए गए हैं और सेक्शन बी में आप देखेंगे सारे गेम्स के नाम हैं जो वो खेलते हैं। तो आपको मैच करना है। तो सेक्शन बी में क्या है? चेस, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और एथलेटिक्स। तो आपको ये बताना है कि सेक्शन ए का कौन सा प्लेयर है जो सेक्शन बी के गेम्स को रिलेट करता है। ओके, तो सानिया मिर्जा किस गेम से है? टेनिस। पीटी उषा एथलेटिक्स। महेंद्र सिंह धोनी तो फेमस आप जानते होंगे, क्रिकेट से रिलेटेड है। प्रकाश पादुकोण ये बैडमिंटन प्लेयर है। विश्वनाथ आनंद ये चेस प्लेयर है। आप लोगों ने देख लिया कि कॉलम ए प्लेयर कॉलम बी के किस गेम को रिलेट करते हैं। अब हमको इसको दैट क्लॉज में कैसे बदलना है, आइए देखते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई नो दैट सानिया मिर्जा इज फेमस फॉर टेनिस। तो आई नो, आई नो यहाँ पर क्या है? मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ? दैट सानिया मिर्जा इज अ फेमस फॉर टेनिस। तो हमको आई नो, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ से हम अगर हम व्हाट क्वेश्चन करते हैं क्या, तो जो आंसर मिलता है वो कहलाता है नाउन क्लॉज। तो ये कहलाएगा दैट नाउन क्लॉज। तो हमको ये अंडरलाइन करते जाना है। तो एग्जाम्पल समझ में आया आपको? आई नो दैट सानिया मिर्जा इज फेमस फॉर टेनिस। तो आपको इसी तरह पूरे प्लेयर और गेम्स को रिलेट करके बनाना है। आई नो दैट प्रकाश पादुकोण इज फेमस फॉर बैडमिंटन। आई नो दैट पीटी उषा इज फेमस फॉर एथलेटिक्स। आई नो दैट महेंद्र सिंह धोनी इज फेमस फॉर क्रिकेट। आई नो दैट विश्वनाथ आनंद इज फेमस फॉर चेस। तो आपने के सभी वाक्य में देखा होगा दैट, दैट के बाद जो पूरी लाइन है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, वो कहलाता है दैट क्लॉज। ओके बच्चों, तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी सेक्शन क्लॉज के लिए। आप जैसे आगे जाते जाएंगे क्लॉज के और बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे और डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा अपने बुक्स में भी अच्छे से और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा इस लेसन में कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जो एक आर्मी मैन है और उसके साथ साथ ही उन्होंने एक सिल्वर मेडल भी जीता है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग वाली बात है। ठीक है, अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। मेक अ लिस्ट ऑफ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन इन योर लोकेलिटी एंड डिस्क्राइब व्हाई यू एडमायर देम। आपके आसपास में कोई फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनकी लिस्ट बनाइए और आप उनको क्यों एडमायर करते हैं इसको भी डिस्क्राइब करिए। तो इससे आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपके आसपास कितने सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है, नथिंग बट द टारगेट। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।